हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते हेलो गाइस, दिस इज अवर फर्स्ट आवर पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर कोई भी गलती होती है तो हमें माफ कीजिएगा। हेलो नमस्ते, चलिए शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पूरे इंटरनेट पर भी वायरल हो रहा है, आपको ऐसा पता ही होगा। तो अभी हमारे साथ बैठी हैं दादी जी, जो कि इंटरनेट पे एकदम फुल ऑन वायरल है। उनके एक महीने में ही 1.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसी को चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दादी, आप इतने वायरल हो गए इंटरनेट पे, तो आपको मतलब अभी कैसा लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है? कुछ ऐसे अलग फीलिंग आ रही है? नहीं, अलग फीलिंग तो नहीं आ रही, पर बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, बहुत खुशी। मतलब कैसा फील हो रहा है कि 1.5 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं? कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इतने हो जाएंगे, और वो भी इतनी जल्दी। तो आपको आपको क्या लगता है कि फिर कैसे हो रहा है इसे? यही तो ताज्जुब की बात है कि ये हो कैसे रहा, आप लोगों का इतना प्यार कैसे मिल रहा है। आपको सब दादी दादी बोल रहे हैं, लेकिन आपका रियल नाम क्या है? मेरा नाम विजय। विजय आगे निश्चल। विजय निश्चल। जो खा रहे पी रहे बना रहे वही है। फेवरेट चाइल्डहुड गेम, बचपन में कोई गेम पसंद था आपको? कुछ बचपन में तो बहुत से गेम खेलते थे, कौन कौन से? कौन से नहीं खेलते? कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल सब? नहीं, बास्केटबॉल फुटबॉल नहीं छोड़कर गुल्ली डंडा खेलते थे, शटापू खेलते थे। शटापू? हाँ, जिसको हम लोग इंगोरचा भी बोलते हैं, शटापू भी बोला जाता है। कैसे खेलते हैं इसको? उसमें सात रखकर पिट्ठू तुम्हारी लैंग्वेज में। और कोई गेम ऐसे नहीं थे जो लड़के और लड़कियों में फर्क करते थे। हर गेम जो लड़के खेलते थे वो हम लड़कियां भी खेलते थे। ओके, खो खो, कबड्डी, ये सारे। दिस इज कॉल्ड रियली वुमन एम्पावरमेंट। एडवेंचरस थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ? आई हैव नॉट डन एनी एडवेंचरस थिंग। मतलब कुछ भी ऐसे याद आता हो कि मोमेंट था ऐसा कुछ? नहीं भाई, ऐसा तो हमारी बहुत सिंपल लाइफ रही, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस यही हमारी लाइफ थी। अपने स्कूल डेज के बारे में बताइए कि कैसे थे, मतलब उस जमाने के स्कूल डेज। हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं कि हमारा जो स्कूल था वो हिंदी मीडियम था, गर्ल्स स्कूल था, और अच्छा रिप्यूटेड नामी स्कूल था। वहाँ पर हम लोगों का एक ग्रुप था, उस ग्रुप को मतलब हर चीज में वो ग्रुप को ही आगे किया जाता था। जब 1952 में जब से जनगण मन की का स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों को ट्रेंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सिंगर्स उस जमाने के वो आए थे, और उन्होंने हमारे ग्रुप को उस जनगण मन के लिए सेलेक्ट किया था और हम लोगों को ट्रेन किया था। अच्छा। उस ट्रेनिंग के बाद से स्कूल का कोई दिन, कोई फंक्शन या कोई ऐसा कार्य नहीं होता था जो जनगण मन से अगर स्टार्ट होना है तो वो प्रेम विजय और उनका ग्रुप ही स्टार्ट करेगा। अच्छा, गाएगा मतलब इसमें। हाँ। Okay. तो वो हम लोग के ग्रुप को ही ट्रेन किया गया था उसके लिए। और सदा जब तक स्कूल में रहे हैं, 50 से लेकर 55 तक वही गाते रहे। अच्छा, जनगण। उसके बाद आती है दूसरी चीज, नाटकों की। नाटक हमारे टीचरों को ये पसंद था कि भाई इस माहौल में हिस्टोरिकल नाटक ही किए जाए। हिस्टोरिकल, तो वो हिस्टोरिकल नाटकों को का सिलेक्शन जो है वो टीचर्स करते थे, और कमेटी बैठती थी कि इस साल ये वाला नाटक होगा, शिवाजी का होगा, नूरजहां जहांगीर का होगा, या किसी और इस तरह के, या अस्थिदान जैसा एक धार्मिक नाटक था वो भी किया गया था। तो टीचर्स हम लोगों की गाइडेंस गाइड करने के लिए होते थे, और डायलॉग हम लोगों को अपने आप एक्शन में लाने पड़ता। अच्छा, खुद ही लिखते? खुद ही। ओके।
लिखते नहीं थे इतने 300-400 पेजेस की वो नॉवेल्स होती थी, बुक्स होती थी, उनमें आपको अपना कैरेक्टर नोट डाउन करना पड़ता था। अच्छा। और वो कम से कम 20-30 पेजेस के डायलॉग्स हम लोगों को याद करने होते थे बाय हार्ट। अच्छा अच्छा। तो जब उनका डायलॉग खत्म हुआ तो अब आपका डायलॉग है तो आपको बोलना पड़ेगा। इस तरह से स्टेज पर वो होता था। दूसरी चीज, एक और खास बात आपको बताएं कि उस समय कोई कैमरे नहीं होते थे। इतने हम लोगों ने 5-6 साल जब तक स्कूल में रहे, हर नाटक को किया है, हर कार्यक्रम में स्टेज पर गए हैं, मगर बाहर से कभी कोई कैमरा वाला नहीं आया। अच्छा। उसका भी एक कारण था, क्योंकि हैदराबाद जो है एक मुसलमानी स्टेट था, वहां पर पर्दा सिस्टम सबसे ज्यादा। अच्छा। गर्ल्स स्कूल में किसी बाहर वाले कैमरामैन को बुलाना ये सोसाइटी के खिलाफ जाती बात, इसलिए वहाँ कोई अलाउड ही नहीं था। अच्छा। कि बाहर वाला कोई आए। लेकिन नाटक है, उसके लिए कॉस्ट्यूम्स भी चाहिए, उसके लिए मेकअप भी चाहिए, और वो भी उस समय का मेकअप, इतनी मोटी मोटी लेयर मुंह पर लगाई जाती थी। लेकिन उसके लिए एक हमारे गुरुजी थे जो मेकअप मैन थे। इस समय हमारी जो एज है उस समय उनकी एज उतनी होगी जो हम बच्चों को मेकअप करते थे। अच्छा। यानी तुम समझ सकते हो ना कि क्यों इतने एजेड आदमी को बुलाया जाता था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल था, जेंट्स अलाउ नहीं थे, फिर पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई आकर मेकअप करे या ड्रेसअप करे या कुछ करे, इसलिए वही गुरुजी आते थे जो मेकअप करते थे, उसको छुड़ाने में घंटों लग जाते थे। कहीं दाढ़ी चिपकी हुई है तो कहीं मूंछें निकल रही है, लेकिन वो इतना अच्छा फिक्सअप करते थे कि कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस। तो बहुत ही अच्छा गेटअप देखा। अच्छा, मतलब एकदम वैसी कैरेक्टर जैसे लगता था। बिल्कुल, कैरेक्टर को उतार देते थे एक तरह से। और फिर डायलॉगों का तो ऐसा था कि हम लोग इतने मज गए थे ड्रामे करते करते कि हम लोगों को कोई टीचर्स तक ये सोचते थे कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। अच्छा। इतने कैसे कैरेक्टर में चले जाते हैं जो इतनी अच्छी तरह से उसको डिपिक्ट करते हैं। तो ये तो एक बड़े गर्व की भी बात है, आज भी हम लोगों को याद किया जाता है उन नाटकों की वजह से, हालांकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि फोटो नहीं है। सही बात है। इस वजह से पर आपके वो नाटक आज बहुत काम आए हैं, और आज वही नाटक की वजह से वो डेवलप होता है जो कैमरे के सामने जो भी आपने करा, तो उसकी वजह से तो इसकी भी हम एक स्टोरी बताते हैं कि जब हमारी एज 15 इयर्स की थी, 15 आई वाज जस्ट 15, और उस साल हम 9th क्लास में थे, तो हैदराबाद रेडियो स्टेशन जो था वहाँ से कुछ लोग आए थे और उन्होंने कैंडिडेट्स को बच्चों के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्कूल अथॉरिटी से बात की होगी, तो उन्होंने हम लोग सेलेक्शन कर दिया कि भाई आप जाएंगे वहाँ पर अपना ऑडिशन देने के लिए। तो गए, हम भी गए, हमारी बहन भी थी, तो हम दोनों गए थे। हुआ ये कि सिलेक्शन तो हमारा हो गया, जो मल्टी टैलेंटेड हमारी एल्डर सिस्टर थी वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा। हमें, हम दोनों को बहुत बुरा लगा कि भाई एक का सिलेक्शन हुआ, एक का जो मल्टी टैलेंटेड थी उनको रिजेक्ट किया गया। अच्छा। बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो जाना है तो बुलाया गया है तो जाएंगे। तो हमने कोई 10-5 नाटक जो है वहाँ पर किए, तो उस समय का जो वॉयस की जो थी, जो सिलेक्शन हुआ था डायलॉग बोलने पर, वो उस वजह से सेलेक्ट हो गया था। तो उस समय दुनिया में टीवी नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ नहीं था। एक बड़ा सा रेडियो हमारे नानी के घर पे होता था, हमारी नानी गर्व से अपने सब लोगों को बुला लेती थी और उस रूम में बैठा दिया जाता था सबको, जमीन पर। जमीन पर सिर्फ एक दरी बिछती थी जिसमें सारे हमारे रिश्तेदार जो थे सबको हमारी नानी बुलाती थी, अरे आज विजय का कार्यक्रम हो रहा है, विजय रेडियो पर बोलने वाली है, चुप रहना, कोई बात नहीं करेगा। इस तरह से अपनी हुकूमत जताकर सबको इकट्ठा करती थी। और उस समय हमारा इंट्रोडक्शन जो है वॉयस की दुनिया में कदम रखने का हुआ।
आज 70 साल के बाद ये मौका तुम लोगों की वजह से मिल रहा है जो हम फेस कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं, जिसकी कभी हमने कल्पना ही नहीं। ये तो हमें तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आज तुमने हमको इस काबिल समझे और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो और हमसे बातें कर रहे हो। बहुत खुशी की बात है कि आफ्टर 70 इयर्स अगेन आई हैव कम इन द फील्ड एक्चुअली होता क्या है ना कि मतलब जब इंटरनेट पे ऐसे कोई एकदम वायरल होता है ना तो बंदे ऐसे करने लग जाते कि ये इतनी जल्दी कैसे वायरल हो गया, 19 पोस्ट ना आपकी 19-20 पोस्ट ही है इतनी जल्दी वायरल होता, लेकिन उनको पीछे की कहानी नहीं पता होती कि वो बंदे ने क्या करा अपनी पूरी लाइफ। तो एक काइंड ऑफ ही आपकी वो पूरी जर्नी थी कि आपने जो जो सीखा उस जर्नी में, कैमरा फेस करना, वॉइस की अभी आपने वो कहानी बताई, तो एक काइंड ऑफ ये सारी स्किल्स होती हैं जो कि एक इंसान होते तब जाके जब वो एक सामने प्रेजेंट कर रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है, लोगों को इतना अपीलिंग लग रहा है कि वो अब आप देख ही सकते हैं कि अब जैसे जैसे हम बात करें वैसे वैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इस काबिल समझा। रोटी वोटी बनाने के अलावा आप क्या कर लेते हैं? दाल चावल भी बनाते हैं। आई मत नहीं वैसे नहीं मतलब लाइक हॉबीज वगैरह क्या क्या है? अच्छा हॉबीज के बारे में मुझे सोचा कि रोटी के साथ नहीं नहीं हॉबीज नहीं, वैसे तो सभी काम हॉबीज में हमारी सिलाई है, कढ़ाई है, फिर कभी कभी कुछ कविताएं वगैरह लिखने का भी शौक रखते हैं, वो भी छोटी मोटी कर लेते हैं। और अब तो सबसे बड़ा शौक तो यही बन गया है, हॉबी यही हो गई, कुकिंग ही हमारी हॉबी हो गई है, पैशन है, जिसकी वजह से हमारा मन करता है कि हम एक नई नई रेसिपी डालें और आप सब तक पहुंचाएं। तो इससे जो खुशी मिल रही है तो उसको तो बयान नहीं किया जा सकता। सही बात। तो कोई कविता आप अगर आपने बोला भी लिखते हो तो कोई एक छोटी सी कविता आपको याद हो आपने लिखी? नहीं वो तो हमने लिख दी और फाड़ के फेंक दी। अच्छा। कभी जब रात में नींद नहीं आती है तो ये काम कर लेते हैं, लिख सुबह उठ के पढ़ते हैं। नाइस नाइस। एनी लाइफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? मतलब आप इतने बड़े एज में हो तो आप कुछ लोगों तक कुछ ऐसे कुछ मैसेज पहुंचाना चाहो जो यंग है? मैसेज तो यही है हमारी लाइफ का और हमारा और आप सबसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक ईश्वर ने आपके हाथ पैर ताकत दी है, आपको ये सामर्थ दिया है, जो भी काम कर सकते हैं आप करो, काम करते ही रहो, आखिरी दम तक करो, मरे तक करो। काम के बिना कुछ नहीं है, जीवन नहीं है, जीवन है तो काम है, काम है तो जीवन। काफी इंस्पायरिंग लाइन बोल दिया आपने, मतलब सिंपल थी बट काफी डीप, मतलब उसमें चीजें हैं। हम तो इसी चीज को मानते हैं और उसीलिए लगे रहते हैं। हमारा खाली बैठने का तो कोई मन ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ करते ही रहना है। काफी अब इस लाइन के बाद आप काफी आइडल बनने वाले हो, इंस्पिरेशन मोटिवेशन सब आएगा आपसे लोगों को। ओके सो कोई फेवरेट टीवी सीरियल जो आप देखते हो या देखते थे, फेवरेट टीवी सीरियल? टाइम के हिसाब से तो टाइम पास करने के लिए सीरियल देखते हैं। सीरियल हाँ। कभी कलर्स पर अच्छे सीरियल्स आते हैं, कभी सोनी पर अच्छे सीरियल्स आते हैं, तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब कलर पर अच्छा आता है तो कलर्स पर देख लेते हैं, सोनी पर अच्छा आता है तो सोनी पर देख लेते हैं, या सब पर आता है तो सब पर देख लेते हैं। अभी तो हमारे हिसाब से सोनी और सब ये दो जगह ही हम दो ही चैनलों को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट भी इतना आता है कि रात में सोते समय भी हमारे दिमाग में वो सीरियल्स ही चलते रहते हैं। सपने में भी आते हैं? नहीं सपने में नहीं आते, सपने में नहीं, सपने में जब तक जागते हैं रात के चाहे 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, लेकिन हमको उसका इफेक्ट इतनी देर तक रहता है कि हमारे दिमाग में वही चलता है। जैसे आजकल वंशज चल रहा है, वंशज बहुत अच्छा है और उसके जो किरदार हैं वो भी बहुत इफेक्टिव है। दूसरा चल रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल, वो भी नाटक बहुत अच्छा है और हंसी मजाक और एक उद्देश्य को लेकर जो चल रहे हैं वागले की दुनिया, ये 3-4 सीरियल्स इधर देखते हैं सब पर। और
सोनी पर देखते हैं कथा, वो भी अच्छा नाटक चल रहा है। अच्छा, तो ये अभी फिलहाल के तो ये है, नहीं तो पहले के महाभारत देखते थे, रामायण देखते थे, फिर क्योंकि ये शादी कभी बहुत थी वो देखते थे, ऐसे बहुत से नाटक चले हैं, सीरियल्स देखते हैं टाइम पास करने के लिए, हमारे पास टीवी बस। टीवी। सो द फाइनल क्वेश्चन इज, अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या हो सकती थी, मतलब आप क्या पसंद करते हो सुपर पावर होना आपके पास, मतलब जैसे आप उड़ सको या आप गायब हो सको, ऐसी कोई सुपर पावर होती? ऐसी तुमने कभी कल्पना ही नहीं, कल्पना ही नहीं। हम सुपरमैन कभी बन ही नहीं सकते। मैं फिर भी एक नॉर्मल कि मैं बहुत बुद्धिमान होना पसंद करूंगी या मैं बहुत नहीं, हम कॉमन है, हम कॉमन ही रहना चाहते हैं, कॉमन में जो कॉमन फीलिंग जो है वो हर किसी के साथ में जोड़ देती है। अगर आप सुपर या सुपीरियर हो गए तो आप फिर ऊपर ही रह जाओगे, टंगे रह जाओगे, नीचे वालों को ना आप देख सकते हो ना नीचे वाले आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कॉमन हो, अगर आप एक आम इंसान हैं, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो हर आम इंसान से जुड़ सकती है। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हमको कोई सुपर पावर मिल जाए या हम कोई सुपर सुपीरियर। इसी के साथ बस हमारा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप दादी के जो भी विचार हैं उनसे आप एग्री करते हैं नहीं करते वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। फाइनल बाय बोल दो जैसे बोलता हूँ। ओके बाय बाय।